और ये सुबह सुबह हमारे घर में क्लीनिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा डस्टिंग वगैरह हो रही थी सारे के सारे मैट वगैरह पे, गद्दों पे। अंकित अभी कवर लेके आए हम दोनों के लिए, मेरे लिए ब्लैक और अंकित के लिए पर्पल, क्योंकि अंकित के फ़ोन का जो कलर है ना वो पर्पल ही है, तो अंकित के फ़ोन पे ये बहुत सुंदर लग रहा है और मेरे फ़ोन पे ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो दोनों सेम है बट कलर अलग है, बहुत प्यारे लग रहे हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं। और ये स्कार्फ मंगवाए थे बाद में बांधने के लिए, तो भाभी मतलब जो मेरी जेठानी सा है ना उनको मैंने बोला था, दिव्या जीजा को, तो उन्होंने मुझे ला के दिए 5 स्कार्फ। ये देखिए, तो ये अभी उन्होंने वो कल लेके आ गए थे मेरे लिए जोटवाड़ा से, तो मैंने भी मंगवाया वहाँ से। सो अभी बन रहा है मेरा नाश्ता और आज बन रहे हैं पनीर के पराठे। मम्मी कैसे बना रही है उसको डायरेक्ट कस के इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का नमक मिर्च मिला देंगी। ये मेरा पनीर पराठा तैयार है, दूध अभी ठंडा हो रहा है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर, कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आज की व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, आई डोंट नो आज के व्लॉग में क्या होने वाला है बट पूरा दिन आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो आपने देखा सुबह घर से आज क्लीनिंग, सुबह घर में आज क्लीनिंग वगैरह उठती है, उसके बाद मैंने उठ के अपना नाश्ता वगैरह किया था। मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ और कल रात की जो चोटी बनाई हुई है ना देखिए, सिर्फ क्लचर लगा के टाई कर लिया था। अभी मैं शावर ले लेती हूँ क्योंकि बहुत गंदी शक्ल हो रही है, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ आज। सो शावर मैंने ले लिया है और ये मैंने क्लोविया से नाइट सूट्स मंगवाए थे, लूज़ लूज़, और मैं रख के भूल गई थी, मैंने शायद बताया भी था, तो अभी मैंने निकाले हैं क्योंकि वो पुराने वाले तो बहुत पुराने हो गए, आप लोग भी पक गए होंगे उनको देख देख के। सो मैंने ये दो नाइट सूट निकाले, अभी तो मैं खैर उनको भी पहनूंगी, काफ़ी कम्फर्टेबल सा है ये, क्योंकि मेरी ना आज डॉक्टर से एक वो है जूम मीटिंग है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे, तो वो मुझे थोड़ा लेबर पेन के लिए, यहाँ पर थोड़ा पेन रहता है उन सब के लिए गाइड करेंगी, तो मैंने थोड़ा ढंग की ड्रेस पहन लेता है। ये काफ़ी सारे सामान पार्सल्स जो आए हुए हैं मेरे को आज इनको सेट करना है, ऊपर जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है ये मैं आपको दिखाती हूँ क्या आया है। सो मैंने मंगवाए थे लव लव ब्रांड के बेबी वाइप्स हैं जो कि मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करने वाली हूँ, काफ़ी अच्छे वाइप्स हैं और बहुत अच्छा ब्रांड है बेबीज़ के लिए। शिल्पा के साथ में जूम मीटिंग करने वाली हूँ क्योंकि मेरे ना पेल्विक मसल्स में बहुत पेन रहता है। ऑल्सो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया था कि लेबर पेन में आप कैसे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो लेबर पेन के लिए, उससे थोड़ा आपको रिलीफ होगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और जैसे लाइक आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है, बैक पेन हो रहा है, पेल्विक मसल्स होता है, प्रेगनेंसी में मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सो उनके लिए वो योगा सजेस्ट करते हैं, तो मैंने उनसे टाइम लिया था आज का। सो अभी वो मुझे योगा पोस्चर्स बताने वाले हैं, सो उसी का सेट कर रही थी कि वो मेरे से जूम मीटिंग पे बात करेंगे। तो समझ वेट कर रहे हैं डॉक्टर शिल्पा का कि वो फटाफट से आ जाए। और मैंने ना लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में, लास्ट नहीं उससे लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि शैली कौन है, बट फिर भी मेरे पास लास्ट ब्लॉग में इतने कॉमेंट आए हैं कि कौन है क्या रिलेशन है। सो मैंने आपको बताया था जो शैली वो मेरी हेल्पर है, तो मैंने काफ़ी जैसे पहले बताया था कि मेरे को प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने वीडियो शूट करने के लिए चाहिए, तो मैंने मेरी छोटी मोटी हेल्प के लिए और मेरे वीडियोस के लिए शैली को रखा है, तो वो मेरी हेल्पर है। लेकिन मुझसे पूछ रहे हैं कि आप उनको क्या पेमेंट दे रहे हो, तो यार पेमेंट क्या दे रहे हो ये तो चीज़ें बहुत पर्सनल है ना, तो आप लोग मुझसे ये कॉमेंट में मत पूछा करो, ये चीज़ें मैं रिवील भी नहीं करूँगी। तो मैं आपको आज क्लियर कर रही हूँ कि जो शैली है वो मेरी हेल्पर है, क्योंकि हेल्पर हेल्पर बार बार बोलना अच्छा नहीं लगेगा, और मैं शैली कैसे थोड़ा बोलूँगी हेल्पर, जरा तो आप कन्फ्यूज हो रहे हो, बट आप ब्लॉग शायद पूरे नहीं देख रहे हो इसलिए आपको नहीं पता चल रहा है, बट मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइज वगैरह करने वाले हैं। हम जब लेबर के लिए करते हैं ना, सबका जब लेबर स्टार्ट होता है, तो लेबर में अगर मैं जिस पर बताऊँ तो लेबर में बहुत सारी स्टेजेस हैं, ठीक है? आपको बताऊँ लेबर की 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जहाँ पर लेबर कॉन्ट्रैक्शंस को शुरू होता है, तो हमारा लेबर को डिफाइन करने के 3 स्टेजेस हैं। 1 इज व्हेन यू हैव डायलेशन, जिसमें पूरा आपकी सर्विक्स खुल जाती है 0
10, वो आपका लेबर का फर्स्ट स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज लेबर का होता है जब बेबी बाहर आ जाता है, ठीक है, और थर्ड स्टेज लेबर का होता है जब हमारा प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, ठीक है। ये हमारी लेबर की 3 स्टेजेस है, ठीक है। वैसे तो 8 अगस्त को 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, 15 अगस्त लास्ट जो एक वीक ऊपर देते हैं वो है। तो अब से आपको जो एक्सरसाइजेस करनी है उसमें आती है वॉकिंग। आप 40 मिनट 50 मिनट वॉक करो ताकि आपको नॉर्मल लेबर एड कर जाए, दैट्स व्हाई। दूसरा होता है कर्व वॉक करना। कर्व वॉक क्या होता है, जैसे एक पैर ऐसे फुटपाथ 2 मेरा सेशन ख़त्म हो गया। बहुत अमेजिंग था, 1 घंटे का सेशन था मेरा, जिसमें उन्होंने मुझे फुल ऑफ लेबर पेन के बारे में बताया, कैसे कैसे किस टाइम पे आपको लेबर पेन होगा, कौन सा आपको ब्रीथ करना है, कौन सा योगा करना है जिससे आसानी से बेबी नीचे पुश हो। मतलब उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें बताई हैं मुझे लेबर पेन के टाइम की जो हमें नहीं पता होती। हमें उससे पहले एक्सरसाइज क्या करनी है वो तो पता होती है, बट उस टाइम पे भी हम एक्सरसाइज करके कैसे अपने बेबी को ईजिली मतलब नीचे पुश कर सकते हैं, वो सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। सो उनका नंबर वगैरह इंस्टाग्राम आई डी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मुझे लग रही बहुत तेज़ भूख, तो मैं बस अपना खाना खाती हूँ। इस टाइम पर थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करते बहुत थकान हो जाती है। बारिश तो अभी आ नहीं रही है बट हवा चल रही है। तो अभी दीदी हमारी खाना खा रहे हैं, काफ़ी लेट खा रहे हैं। कितना टाइम हो गया, बच के 14 मिनट्स हो चुके हैं और अब खाना खा रहे हैं हमारी दीदी। क्या खा रहे हो दीदी? वही नॉर्मल रोटी सब्जी थोड़ी सी छाछ। ओह वाओ, क्योंकि ज़्यादा थकान हो गई मुझे सच में सेशन से। थोड़ी देर बस रेस्ट कर रही हूँ, नींद नहीं आएगी बट ऐसे लेटी हुई हूँ। अभी मैं उठी हूँ, मैंने आपको दिखाया था उस टाइम पर मैं लेटी थी, मुझे नींद आ गई थी, मेरा बहुत सिर में दर्द हो रहा था एक्चुअली। और अभी उठ के मैंने सबसे पहले चेंज किया है, क्योंकि जो मैंने ड्रेस पहन रखी थी ना वो एकदम जस्ट न्यू थी, तो उसका जो लास्टिक था ना बॉटम का वो बहुत ज़्यादा टाइट था, मुझे बहुत फील हो रहा था वो, तो इस वजह से फिर मैंने उसको चेंज कर लिया है। और अभी उठ के मैंने थोड़ा सा बस जो मम्मी ने नारियल बनाया था कल वो खाया है, तो मैंने मम्मी को बोला थोड़ी देर बाहर वॉक करके आते हैं, तो मैं मम्मी के साथ वॉक करने जा रही हूँ। इसमें एकदम नया है ना तो लास्टिक बहुत ज़्यादा टाइट है, इस वजह से मैंने इसको निकाला। अभी हम आए बाहर वॉक करने, तीन चार दिन हो गए। तो अभी हम बीच में बंद कर दी थी कि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो अभी हम लोग सुचार्ज करते हैं, 2 दिन से मौसम खुला हुआ है इसलिए। गुड मॉर्निंग गाइस, और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मतलब कल आपने फिर देखी थी, कल तक की थी। उसके बाद मेरे शूट नहीं किया था, मैं भूल के आई थी, फिर मैंने सो गई थी, कि मैंने पूरी रात सिंगल सेकंड भी नहीं सो पाई, मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई। देखो इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, पैरों में बहुत ज़्यादा है, थोड़ा पेट के नीचे हिस्से में भी है। चलो मैं देख रही हूँ, अभी उठी लेट 12 बजे में नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो यही सब चल रहा है। अभी अब थोड़ा सा लगता है रिलीफ है, तो ठीक है, दवाई से मैं डॉक्टर को भी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेयर नहीं कर पा रही, इतना ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ मेरे इतने ज़्यादा पैरों में दर्द था ना, तो मैं अंकित से दबा रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे ना पैरों के बैक में दर्द रहता है, और मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह, पेट में दर्द, पैरों में दर्द। आज पूरा दिन चला गया है और सुबह से बस मैं लेटी हुई हूँ, अभी शाम के 5 बज रहा है, शावर वगैरह भी नहीं लिया है,
मेरी आँख की बिल्कुल स्वेलिंग से देख सकते हो कैसी हो चुकी है। पैरों में लगातार पेन हो रहा है, बार बार मैं दबवा रही हूँ, कभी शैली से कभी अंकित से, और मेरे पूरी बॉडी में खुजली चल रही है, बहुत गंदी वाली इचिंग सी हो रही है। समझ में नहीं आ रहा मुझे हो क्या रहा, वॉमिटिंग भी हो चुकी है मुझे। अब मैं कल तो डॉक्टर को दिखा के आऊँगी, बस आज रात रात निकल जाए। घर पे किरण जी आए हैं, दिन का फोन आया था, हम बात नहीं कर पाई थी इसकी प्रेगनेंसी के ऊपर। हम लोग लग रहा है अभी मेरा है, इसकी बहुत ना पसंद आ रहा है, वो बोल रही है मेरे को दे दो बेटा पीओ को, ये जो पीओ बहुत पसंद आ रहा है, ये वो गिफ्ट कर रहे हैं हम, आगे इसके काम हो जाएगा, ये भी सही संभाल के अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ये फिट भी आ गई इसमें, ये पूरी फिट आ गई है। उठ जा चलेंगे फिर, ये इसकी लिस्ट देखो, फ्रेंडशिप डे के लिए बना के आई हूं, टेन तो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं और टेन इसके स्पेशल फ्रेंड्स हैं, तो बोलिए मम्मा स्पेशल वालों के लिए स्पेशल बैंड और नॉर्मल वालों के लिए नॉर्मल बैंड। आजकल के बच्चे बड़े हो रहे हैं। आज मैंने लंच भी नहीं किया अपनी तबियत की वजह से, अब मैं खाना खा रही हूँ, ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ, और देखते हैं कि डॉक्टर के जाके आऊँगी तो आपको न्यू वाले ब्लॉग में अपडेट दूँगी क्या है।